ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल इंस्पिरेशन ऑफ प्रेरणा में। दिवाली के महापर्व के बाद हिंदुओं का बहुत बड़ा त्यौहार छठ पूजा आ गया है। छठ पूजा सूर्य देव और छठी मैया की पूजा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है। इसमें छठी मैया सूर्यदेव की बहन की पूजा की जाती है पूरी श्रद्धा से, और ऐसा कहा जाता है कि जो पूरी श्रद्धा से छठी मैया का व्रत रखता है उसकी हर मनोकामना छठ मैया पूरा करती हैं और उसके जीवन में सुख शांति और समृद्धि भरी रहती है। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से शुरू होकर सप्तमी पर खत्म होने वाला यह चार दिन का महापर्व पूरे भारतवर्ष में बहुत ही श्रद्धा और भक्ति से मनाया जाता है। ऐसे तो छठी मैया का व्रत हर मनोकामना पूरा करने वाला होता है, लेकिन अगर इस व्रत में जरा सी भी गलती हो जाए तो छठ मैया नाराज भी हो जाती हैं। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि इस व्रत को करने के पहले कुछ बातों को हम जान लें और ज़रूर ध्यान में रखें। छठ के व्रत में सबसे महत्वपूर्ण होता है सूर्य को अर्घ देना। तो इस चीज़ में आपको कुछ बातों को ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। सूर्य को अर्घ देने के पहले बिल्कुल भी भोजन और जल ग्रहण नहीं किया जाता। सूर्य को जिस पात्र से अर्घ दिया जाता है उसका ध्यान रखना, उसकी स्वच्छता का ध्यान रखना भी बहुत ही ज़रूरी होता है। आपको इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि जिस बर्तन से आप सूर्य को अर्घ दें वो बिल्कुल भी शीशे का, स्टील का या प्लास्टिक का नहीं होना चाहिए। अगर आपने कभी भी कहीं पर भी छठ मैया की कोई मन्नत मांगी है, कोई मान्यता मांगी है, तो उसे ज़रूर पूरा कर दें। ऐसा ना करने से छठ मैया नाराज़ हो जाती हैं और फिर बहुत सारे विघ्न आपके जीवन में आते हैं। पूजा की किसी भी वस्तु को कभी भी भूल कर भी झूठे हाथ से बिल्कुल भी ना छुएं। यहाँ तक कि इतना ध्यान रखें कि कोई छोटा बच्चा भी छठ मैया की पूजा के व्रत के सामान को कभी भी झूठे हाथ से ना छुए। छठ मैया का प्रसाद बनाते वक्त शुद्धता का बिल्कुल ध्यान रखें, पूरा ध्यान रखें कि जो इंसान प्रसाद बना रहा है वो बिल्कुल भी प्रसाद बनाने के दौरान कुछ खाए नहीं, यहाँ तक कि नमक को स्पर्श भी ना करे। जिस घर में छठ का व्रत किया जाता है उस घर में छठ के चार दिनों के दौरान लहसुन प्याज आना भी नहीं चाहिए। मांस मदिरा तो बहुत ही दूर रहना चाहिए। इसके साथ साथ जिस घर में छठ का व्रत किया जा रहा है उसके घर के अंदर किसी को धूम्रपान भी नहीं करना चाहिए। चार दिनों के इस व्रत के दौरान स्वच्छता का पूरा ध्यान रखें। बिल्कुल भी गंदे कपड़े या एक बार पहनकर उतारे हुए कपड़े बिल्कुल भी पूजा के दौरान ना पहने। मान्यता तो ये भी है, नहाया खाया से छठ पूजा समाप्त होने तक जो भी महिला या पुरुष व्रत रख रहा है, पूजा कर रहा है, उसको बिल्कुल भी बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए। जिस जगह पर छठी मैया का प्रसाद बने उस जगह पर किसी को भी भोजन नहीं करना चाहिए। शाकाहारी भोजन भी उस जगह पर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति छठी मैया का व्रत कर रहा है, छठ पूजा कर रहा है, उसे अपनी वाणी पर भी बहुत संतुलन रखना चाहिए। किसी को अपशब्द बोलने से, झगड़ा करने से व्रत का पूरा फल नहीं मिलता। तो ये हैं कुछ बहुत ही छोटी छोटी लेकिन विशेष बातें जिनका ध्यान आपको छठ पूजा के दौरान ज़रूर रखना चाहिए, ताकि आपको व्रत का पूरा फल प्राप्त हो सके और आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा।